आज का हमारा टॉपिक है पेपर बैग मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, पेपर बैग मेकिंग बिजनेस जो है ये आज के तारीख का सबसे उभरता हुआ बिजनेस है, क्योंकि आज पॉलीथीन जो है ये टोटली बैन की जा रही है। चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से बोलो, चाहे वो लोगों की तरफ से बोलो, इसका उपयोग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसके तौर पर पेपर बैग्स ये यूज किए जा रहे हैं। इसकी डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। ये आपके करियर के लिए सबसे अच्छा मौका साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में कि पेपर बैग मेकिंग बिजनेस कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। दोस्तों, इसकी जो मशीन्स है ये 3 लाख से लेके तो 10 से 12 लाख तक की आती है। जिस तरीके की मशीन आप लोगे उसकी कीमत वैसी होगी। मैनुअल मशीनें ज़्यादातर करके जो है वो कम कीमत में आएगी, और जितना आप ऑटोमेटिक वाली मशीन्स में जाओगे इसकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं इसमें एरिया कितना लगता है। तो दोस्तों, इसकी मशीन्स काफ़ी बड़ी होती है तो इसके लिए एरिया भी उतना ही बड़ा लगेगा। लगभग आपको एक 20 बाय 15 का रूम लगेगा जिसमें आप अपना ये छोटा यूनिट चालू कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मटेरियल भी ज़्यादा नहीं लगता। जो रॉ मटेरियल होता है वो इसके जो बंडल होते हैं पेपर्स के वो आते हैं, वही इसका रॉ मटेरियल होता है। थोड़ा बहुत आपको अलग मटेरियल लगेगा जो आपको IndiaMART.com पर अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा जानने वाली कोई बात है नहीं। आइए देखते हैं इसमें प्रॉफिट कितना होता है। इसकी एक बेसिक मशीन का हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आप 1 घंटे के अंदर 1200 बैग्स बना करके रेडी कर सकते हैं, जिसमें पर बैग आपको लगभग 80 पैसे से 1 रुपये तक का प्रॉफिट आता है। तो इस हिसाब से आप टोटल अगर 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 5 से लेके 7 हजार पर डे का होता है। अब देखते हैं इसका मार्केट वैल्यू। दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि पॉलीथीन जो है ये टोटली बैन होती जा रही है, और दिन प्रतिदिन जो है सेकंड ऑप्शन के तौर पे पेपर बैग्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आपको मार्केट में इसके सेलिंग की कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसके जो पूरे सेट होते हैं वो आप मॉल्स हैं, होटल्स हैं और कपड़ों की जो शॉप्स होती है वहाँ पर है, ऐसे कई जगह होती है। शूज़ के जो शॉप्स होते हैं वहाँ पर भी आप इसे सेल कर सकते हैं। ऐसी कई जगह होती है जहाँ पे आप इसे सेल कर सकते हैं। अब रही ब्रांडिंग की बात, तो पेपर मेकिंग बिजनेस में ऐसा कोई जैसा बड़ा ब्रांड नहीं है कि जिसका हम एग्जाम्पल ले सकें। तो आप भी लोकल लेवल पे बहुत अच्छा ब्रांड बन सकते हो। We'll be right back.
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आने के कारण इसमें लोन फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सपोर्ट करती है, लगभग 85% तक का इसमें लोन भी आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो बिजनेस है ये आज के तारीख में सबसे उभरता हुआ बिजनेस है। और जहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है तो दोस्तों हमें वही बिजनेस करना चाहिए जिसकी आज मार्केट में डिमांड है। तो आज पॉलीथीन टोटली बैन होती जा रही है, सेकंड ऑप्शन के तौर पे जब ये बिजनेस इतना उभर रहा है इसमें गवर्नमेंट का भी आपको बहुत सारी सब्सिडीज मिल जाती है, तो ये बिजनेस को करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमेशा हमारी अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए वंदे मातरम।